अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे वेबफ्लो को। तो वेबफ्लो में इस तरह होता है कि आप इसको कह सकते हैं कि ये एक एडवांस फॉर्म है किस चीज़ की, HTML की और CSS की। और एज इट इज़ मतलब जैसे कि हम लोग HTML में स्ट्रक्चर बनाते हैं और CSS की क्लासेस बनाते हैं और उनको उनको यूज़ करते हैं। जैसे मतलब एक HTML, मतलब आप कह सकते हैं जैसे PSD टू HTML कन्वर्ट किया जाता है, उसी तरह हम इधर भी PSD टू HTML या फिग्मा टू HTML हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। और ये HTML की एक किस्म की जो है ना वो एडवांस फॉर्म है, जो मतलब थोड़ा सा कोड लिखने की निस्बत आसानी है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके लिए सबसे मेन चीज़ जो है वो इसके लिए प्री रिक्विजिट है, आपको HTML और CSS आना चाहिए। अगर आपको HTML CSS नहीं आएगा तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम बन जाएगी, आपको आपका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा। अब स्ट्रक्चर आपका कैसे डिस्टर्ब होगा और मेरा इस बात को करने का मकसद क्या है, मैं आपको उसका थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल व्यू दे देता हूँ। अगर आपको HTML आएगा, HTML और CSS आती होगी और तब आप वेबफ्लो में काम करेंगे, तो आपका HTML का जो स्ट्रक्चर होगा आपको वो बनाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। अगर आपको लेट्स सपोज HTML नहीं आती और आप डायरेक्ट वेबफ्लो में आ गए हैं, ठीक है, तो फिर आपको कुछ इश्यूज फेस करने पड़ जाएंगे। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप ये पेज देख रहे हैं, अब ये पेज इस टाइम जो है मतलब कि इस डिस्प्ले साइज़ के लिए, जो डिस्प्ले साइज़ मतलब मैं लैपटॉप पे इस टाइम इसको ओपन करके बैठा हुआ हूँ, तो लैपटॉप के लिए ये डिस्प्ले साइज़ बिल्कुल ठीक है। बट जब आप इसको किसी और स्क्रीन पर देखेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि ये इसका स्ट्रक्चर टूट रहा है। ये फॉर्म का जो मतलब लेफ्ट और राइट पार्ट है ये स्प्लिट हो रहा है और एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। इसी तरह इसको मतलब कि नहीं होना चाहिए, इसको एक स्ट्रक्चर के अंदर आना चाहिए। अगर मैं आपको इसका एक और पेज खोल के दिखाता हूँ, जैसे ये न्यूज़लेटर का पेज है, तो ये इस पेज पे बिल्कुल इसका डिस्प्ले इस साइज़ पे बिल्कुल ठीक आ रहा है। बट जब हम किसी इसका डिस्प्ले साइज़ चेंज करेंगे, हम 1920 पे देखेंगे या हम उससे बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे, तो ये टोटली इसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहा है। और अगर हमें HTML और CSS प्रॉपर आता होगा और हम तब उस पर काम करेंगे, तो आप ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं, ये काफ़ी लेंथी पेज है उन पेजेस के निस्बत। इस पे ये सब वेबफ्लो में ही बना हुआ है और ये एनिमेशन वगैरह सब कुछ वेबफ्लो में हुई हुई है, मतलब कि हम ये सब कुछ भी वेबफ्लो में कर सकते हैं। तो जब हम इसको देखें अगर, तो आप देखेंगे कि ये प्रॉपर एक इसका जो स्ट्रक्चर है वो किसी किस्म की कोई भी चीज़ ब्रेक नहीं हो रही, हर चीज़ आपको एक स्टैंडर्ड के साथ नज़र आ रही है। किसी भी कोई भी एलिमेंट जो है वो स्ट्रक्चर से बाहर नहीं है और हर चीज़ अलाइन, टेक्स्ट अलाइन है, हर चीज़ एक मतलब अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अगर आपको HTML CSS आएगा तो आप फिर इस तरह का काम यानी क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकेंगे। अगर आपको HTML और CSS नहीं आता, अगर आप डायरेक्ट वेबफ्लो में आ जाएंगे, तो फिर आपको इस तरह के इश्यूज़ को फेस करना पड़ेगा। आज का वीडियो जो है वो सिर्फ मैं आपको वेबफ्लो का इंट्रो दे दूंगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको जो है मतलब प्रॉपर एक समथिंग लाइक इस तरह का एक प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉपर आपको बना के, जिसमें हम ये नैव बार होगी, ये हीरो सेक्शन होगा, ये एनिमेशन लगी हुई होगी, होवर एनिमेशन आप देख रहे होंगे, इस पे ये कलर चेंज हो रहा है इस तरह, और ये स्मूथली हो रहा है आप देख रहे हैं। इसी तरह ये देखें, जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये नेक्स्ट सेक्शन में लेके जा रहा है। और एक सेकेंड, और जब हम जा रहे हैं तो ये एनिमेशन है जो आपके स्क्रॉल स्क्रॉल इनटू व्यू पे एनिमेशन लगी हुई है, ये सब विद इन वेब फ्लो हुआ हुआ है। इसी तरह ये आप देख रहे हैं कि वीडियो आ गई है अपॉन स्क्रॉल, और ये आप देख रहे हैं ये सब कुछ विद इन वेब फ्लो हुआ हुआ है। तो आज मैं आपको सिर्फ एक इंट्रो दूंगा, फिर उसके बाद हम जो है इसी पेज को या समथिंग लाइक इसी से मिलते जुलते पेज को, एक पूरे पेज को वेब फ्लो में डेवलप करेंगे, जिसमें हम सारे सेक्शन, हेडर, फुटर, आपका नैव बार, आपके स्लाइडर्स और इन सब चीज़ों को देखेंगे जो विद इन वेब फ्लो हो सके। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो इनिशियल स्टेप से नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, जिसके अंदर हम कस्टम काम भी करेंगे और चीज़ों को डीपली देखेंगे। तो वेब फ्लो में जो है ये इसके एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स में ये जिस तरह HTML में सेक्शंस होते हैं, कंटेनर होता है, ग्रिड होता है, कॉलम्स होते हैं, हर चीज़ मतलब कि आपके पास अवेलेबल है। डिव है, डिव से आप कस्टम कंटेनर भी अपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक का कंटेनर भी बना सकते हैं। इसका जो ये कंटेनर है ये फिक्स्ड
विथ का होता है, आई थिंक ये 1140 होता है या 940 होता है, बहरहाल फिक्स विथ का होता है, ठीक है। हम अगर कस्टम कंटेनर बनाना चाहें तो हम इस एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं, आप ये मेरा कर्सर देख रहे होंगे, और लिस्ट के लिए हम इस एलिमेंट को यूज़ करते हैं, फिर विद इन लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम है उसके लिए हम इस एलिमेंट को यूज़ करेंगे। बटन यहाँ पर बने बनाए हैं, आप उसको कस्टमाइज़ कर लेंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक, उसको विड्थ और हाइट दे देंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक, उसको कलर दे देंगे, रेडियस दे देंगे, होवर एनिमेशन लगा लेंगे। इसी तरह ये लिंक ब्लॉक है, अगर मतलब आप लिंक ब्लॉक बनाना चाहते हैं जब उस पर क्लिक हो तो वो किसी नेक्स्ट पेज पे जंप कर से, तो आप इसको इस डिव को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये हेडिंग है, जब आप इसको यूज़ करेंगे तो डिफरेंट हेडिंग्स आ जाएंगी H1 से लेकर H6 तक, फिर आपकी जो भी ज़रूरत है आप उसमें से चूज़ कर लेंगे। ये पैराग्राफ है, और इसी तरह ये रिच टेक्स्ट है, इसके अंदर आप एक ही पैराग्राफ के अंदर हेडिंग और बुलेट्स और सब कुछ दे सकते हैं। फिर उसके बाद ये कलेक्शन लिस्ट क्या है, इसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा इस पे हम वेब फ्लो की बैकएंड पे चले जाते हैं, तो इसको हम जब ज़रूरत होगी, या मैं इंट्रो फिलहाल दे दूंगा लेकिन हम इसको बाद में यूज़ करेंगे। और इसमें हम ई कॉमर्स की तरफ भी जाएंगे कि हम एक ई कॉमर्स प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। इंतहाई सिंपल है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा फोकस और थोड़ा सा आपके टाइम की ज़रूरत है। और जब आप ई कॉमर्स साइट बना रहे हैं तो उसमें आप कार्ड कैसे यूज़ करेंगे, और पेपॉल की कैसे या स्ट्राइप की कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, वो सब चीज़ें इंशाल्लाह हम देखेंगे। नेक्स्ट चीज़, आपने इमेज अगर जैसे अब ये बैकग्राउंड में इमेज लगा हुआ है, या अगर कोई इमेज आप यूज़ कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें, ये जैसे ये इमेज यूज़ हो रहा है तो ये अब कैसे यूज़ हो रहा है, ये इस इमेज एलिमेंट के थ्रू हो रहा है, और इसको भी हम डीपली देखेंगे। इसी तरह आपने अगर कोई वीडियो लगाना है, अगर आप YouTube का वीडियो लिंक करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन है। और नेक्स्ट, ये फॉर्म आपने कैसे यूज़ करेंगे, वो भी किसी भी किस्म का कॉन्टेक्टस फॉर्म है लेट्स सपोज, वो हमने कैसे यूज़ करना है, उस फॉर्म के अंदर कोई एलिमेंट ऐड करवाना है क्या, उसको एक कस्टम फॉर्म बनाना है लेट्स सपोज, के फिक्स साइज़ का हम बनाना चाह रहे हैं, किसी डिफरेंट साइज़ का बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद आपका ड्रॉप डाउन है, हम इसके अंदर फॉर्म के अंदर ड्रॉप डाउन यूज़ करना चाह रहे हैं, मतलब फॉर्म के सब एलिमेंट जो है वो आपको इस सेक्शन में मिल जाएंगे। चेक बॉक्सेस हैं, रेडियो बटन है, यानी इस तरह की चीज़ें हम ऐड करवाएंगे। बाकी बैकग्राउंड में वीडियो लगवाना चाह रहे हैं आप, ड्रॉप डाउन है। कस्टम कोड के लिए आपको इसका पेड वेरियन यूज़ करना पड़ेगा, जब हम इस स्टेज पर पहुंचेंगे तो फिर मैं आपको पेड वेरियन में ले चलूंगा। और ये नैव बार के लिए एलिमेंट होता है, जब हम नैव बार यूज़ करेंगे। फिलहाल मैं आपको एक इंट्रो दे रहा हूँ, मतलब कि हर चीज़ बनी हुई पड़ी हुई है, जैसे ये स्लाइडर है, ये मैप है, बस आप उठाएंगे और अपना एड्रेस गूगल गूगल उसकी जो है आप API दे देंगे, और ये फेसबुक और ट्विटर के लिए है। सेकेंड, इस साइड पे आप देखें तो ये आपका टोटली समझ लें कि एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, HTML एलिमेंट्स आप कह सकते हैं। यहाँ पर जो है वो आपकी CSS से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि आप क्या यूज़ करना चाह रहे हैं, मैं एक सेकेंड एक चलिए मैं थोड़ी देर बाद उसको कर लेता हूँ। जैसे आप फ्लैक्स बॉक्स यूज़ करना चाह रहे हैं, ग्रिड यूज़ करना चाह रहे हैं, या क्या कहते हैं आप एक सिंपल बस एलिमेंट पुट करवाना चाह रहे हैं, और अगर ग्रिड के या फ्लैक्स बॉक्स के चाइल्ड हैं उसकी आप ऑर्डर फिक्स करना चाह रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर लास्ट ऑर्डर, या यहाँ से आप कस्टम भी दे दें कि फर्स्ट टू फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जो भी आप देना चाह रहे हैं। और इसी तरह अगर आप इस अलाइन सेंटर करना चाह रहे हैं विद इन द फ्लैक्स बॉक्स, या जस्टिफाई सेंटर करना चाह रहे हैं, और ये पैडिंग के लिए है, ये ऑटो जो आपने एक उसमें कमांड देखी होगी CSS में, मार्जिन जीरो ऑटो, उसके लिए आपके पास ये है, ये बटन है, बस आप क्लिक करेंगे तो वो ऑटो कर देगा मार्जिन को। ये आपकी डिव की हाइट्स को हाइट सॉरी विड्थ और हाइट को कंट्रोल करने के लिए है, 100% यहाँ पर मैंने किया हुआ है, ये पैडिंग के लिए, ये मार्जिन के लिए। और इसी तरह अगर आप क्या कहते हैं पोजीशंस यूज़ करना चाहते हैं, पोजीशन स्टैटिक, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, फिक्स, स्टिकी, इन चीज़ों को हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे। और अगर आप जेड इंडेक्स देना चाहते हैं तो इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, यहाँ से हम मतलब पोजीशन एब्सोल्यूट दे दी, अब आप लेफ्ट राइट लेके जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप उसको कंट्रोल कर लेंगे, 10, 20, जो भी आप मतलब करना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो सिर्फ मैं आपको इस टूल से इस टूल का इंट्रो दे रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है प्रॉपर एक एक सेक्शन बनाएंगे, डेवलप करेंगे, और फिर उसको रिस्पॉन्सिव भी करेंगे। रिस्पॉन्सिव के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पर मैं ये कंप्लीट कर लूँ तो फिर रिस्पॉन्सिव की तरफ भी जाते हैं। ये टाइपोग्राफी है, टाइपोग्राफी में मतलब कि आप जो भी अपना फॉन्ट यूज़ करवाना चाह रहे हैं, यहाँ पर कुछ गिवन है, अगर नया ऐड करवाना चाह रहे हैं तो उसको भी हम ऐड करवा सकते हैं जो इसके अंदर नहीं है, मतलब कस्टम फॉन्ट भी हम ऐड करवा सकते हैं। ये फिक्स उसकी वेट वगैरह है, फॉन्ट का साइज़ है,
कलर है, जो भी कलर आप देना चाहते हैं, अगर इनमें कोई कलर है तो वो दे दें, वरना यहाँ पर अपना कलर कोड डाल देंगे। तो इसी तरह टेक्स्ट लाइन सेंटर, मतलब कि HTML और CSS की एडवांस्ड फॉर्म आप इसको कह सकते हैं, लेकिन आपको HTML CSS आना चाहिए तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको HTML CSS नहीं भी आता, तो आप तब भी अगर इसको डायरेक्ट शुरू करें और थोड़ा सा फोकस करें, तो आप मेरे ख्याल में HTML और CSS को भी काफ़ी हद तक यहाँ से सीख सकते हैं, लेकिन फोकस की ज़रूरत है। तो ये आपने अगर बैकग्राउंड में इमेज वगैरह लगाना है, अगर आपने रेडियस, अगर आप मतलब अब ये है, ये एक डिव है, अगर आप इसको रेडियस देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से उसको उसका रेडियस जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये बॉर्डर्स की, बॉर्डर कलर के लिए और बॉर्डर की विड्थ के लिए आपके पास बना हुआ है सेक्शन। और ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप बॉक्स शेडो, मतलब के कोई भी एलिमेंट है उसका शेडो लगाना चाह रहे हैं, कोई भी एनिमेशन हो रही है उसको एक स्मूथनेस के लिए हम यहाँ पर ट्रांजिशन यूज़ कर लेते हैं। कर्सर, आपने अभी मेरे पास यहाँ पर ये पॉइंटर आ रहा है, अभी यहाँ पर ये मेरे पास सिंपल माउस का वो आ रहा है, अगर आप इसको हैंड में करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आके चेंज कर लेंगे, पॉइंटर कर देंगे। इसी तरह अगर आप नोट अलाउड करना है, मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ से तकरीबन सबको फिलफिल कर लेते हैं। रिस्पॉन्सिव के लिए हमारे पास वेबफ्लो में एक बहुत बड़ी, बहुत अच्छी ऑप्शन है। वो क्या ऑप्शन है कि देखिए, अब मैंने ये सेक्शन यहाँ पर बना लिया है, और अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव करना चाहता हूँ तो मैं इस साइज़ पे ले आऊँगा और इस साइज़ पे ला के मैं उसमें चेंजिंग कर लूँगा। ठीक है, चेंजिंग जो मैं करूँगा वो आपके इस स्टैंडर्ड साइज़ पे, कोई भी डेस्कटॉप वेरिएंट पे किसी भी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं कर रहा होगा। अगर लेट्स सपोज मैं मोबाइल वेरियंट में कोई चेंजिंग कर रहा हूँ, तो उसका इस वेरियंट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा डेस्कटॉप वेरियंट पर, लेकिन डेस्कटॉप वेरियंट पर जो मैं चेंजिंग करूँगा उसका इफेक्ट होगा इसके ऊपर। लेकिन अगर हमने ऑलरेडी इसको फिक्स कर दिया, तो फिर डेस्कटॉप वर्जन का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। होपफुली आप समझ रहे हैं, अगर नहीं समझ आ रही तो हम लोग अभी आगे इसको इन डिटेल सब कुछ करेंगे। ये भी मोबाइल वर्जन है, और इसके बाद ये आपका आ गया है तकरीबन 320 पिक्सल का जो मोबाइल डिस्प्ले है। तो ये देखें, ये किस तरह से सब कुछ जो है प्रॉपर अलाइन हुआ हुआ है, किसी भी किस्म का हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस कुछ क्लिक्स के ऊपर जो है हम, मतलब वहाँ पर CSS में हम प्रॉपर कोड करते हैं मीडिया क्यूरी, फिर हम उसको डिस्प्ले साइज बताते हैं, मतलब काफ़ी एफर्ट हमें करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर आपको इस तरह की एफर्ट करने की जरूरत नहीं होगी, हम क्लिक्स के ऊपर जो है इसको बेहतरीन करके रिस्पॉन्सिव कर लेंगे। तो एक और चीज़ ये कि लेट्स सपोज आपने HTML CSS प्रॉपर कर ली है, एनिमेशन भी हम यहाँ पर लगा ली है, और आप चाहते हो कि मैं इसका कस्टम कोड निकाल लूँ, तो हम हमारे पास ये वेबफ्लो ऑप्शन दे रहा है एक्सपोर्ट कोड का, हम यहाँ पर क्लिक करके अपना कोड भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा बाकी अगर आपने न्यू पेज बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर है, देखें ये न्यू पेज का ऑप्शन है, यहाँ से न्यू पेज बन जाएगा। और उसके बाद हम आ जाते हैं इसके इस डेटाबेस पे, जो मैं आपको कह रहा था ना कि यहाँ पर कलेक्शन है, इसको मैं बाद में इंट्रो दूंगा, कलेक्शन लिस्ट। तो ये है, यहाँ से हम लोग कलेक्शंस बना लेते हैं, उसको फ्रंट एंड पर कॉल करवा लेते हैं, डेटाबेस से चीज़ें अपलोड करते जाते हैं, फ्रंट एंड पे उसको यूज़ करते जाते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, मैं आपसे साथ साथ जब काम इसके ऊपर करेंगे तो आपको मज़ीद समझ में आ जाएंगी। और ये एसेट्स का है, जो भी आपकी इमेजेस यूज़ हो रही हैं वो सब हम इस सेक्शन में अपलोड कर देते हैं, और जहाँ जहाँ हमारी रिक्वायरमेंट होती है हम सिंपल क्लिक्स की बेस पे, जैसे ये अब मैंने इस पर क्लिक किया, और ये देखें रिप्लेस इमेज करने के लिए रिप्लेस इमेज किया, यहाँ से जो भी इमेज आपको चाहिए आप उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, और इमेज का साइज़ वगैरह हम फिक्स कर सकते हैं। तो होपफुली आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो और इसके अलावा जब हम नेक्स्ट रेगुलर बेसिस पे इसको स्टार्ट लेंगे, और कैसे चीज़ें हो रही हैं इसको इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच।